नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। दौसा जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसी को लेकर दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया आज दौसा एसपी अनिल बेनीवाल के साथ औचक निरीक्षण पर निकले। जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो और आपात स्थिति में किसी जिलेवासी को ऑक्सीजन की कमी से कष्टदायक हालात से न गुजरना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए आज दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया एसपी अनिल बेनीवाल के साथ जिला अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट और निजी ऑक्सीजन सप्लायर के औचक निरीक्षण पर निकले। उन्होंने स्टॉक स्टेटस के साथ सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व आज सुबह कोरोना वार रूम में उन्होंने इसी विषय को लेकर जिला स्तर के अधिकारियों की आज एक मीटिंग भी ली। और इसके साथ में पूरे जिले में जितने भी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर्स हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनका एक जायजा लिया है, उनका एक आकलन किया है कि उनके स्टॉक में कितने सिलेंडर्स हैं वो दिया। और साथ इसके साथ में हमारे जिला अस्पताल में जो ऑक्सीजन जनरेटिंग एड सेपरेटिंग यूनिट का जो प्लांट है उसका भी एक जायजा लिया है। अभी तक वर्तमान में स्थिति बहुत ही ठीक है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितने भी आगे में और अगर कोई कंट्रोल कदम लेने पड़ेंगे तो हम ले लेंगे। और जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर कोई कमर्शियल यूज़ में है उनको टोटली डिस्करेज किया जा रहा है, एक पूरा स्टॉक ले लिए और उसको टोटली मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज़ करने की पूरी हिदायत दी जाइए। और मार्केट में अगर और भी कोई ऐसे प्राइवेट सप्लायर्स हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।